सबसे पहले तो मैं जन सरोकार मंच टॉक को हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगी, उनका आभार प्रकट करना चाहूंगी कि उन्होंने दूसरी बार मुझे कुछ बोलने का मौका दिया है। पिछली बार आप सभी ने पत्र वाचन में मुझे बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया, मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, उसके लिए आप सभी का भी बहुत बहुत हार्दिक आभार। आज मैं आपके सामने एक कहानी, कुछ कविताएं और एक व्यंग का वाचन करना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि इस बार भी आप मुझे उतना ही स्नेह देंगे जितना पिछली बार दिया था। अभी लाइव प्रोग्राम में मैं जानती हूं कि इस समय महिलाओं का जुड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस समय सभी को अपने घर के कार्य देखने होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप सबने, जिन्होंने भी समय निकाला है या जो जुड़ते जा रहे हैं या आगे जुड़ेंगे लाइव प्रोग्राम को देखने के लिए, मैं उन सभी का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला और मेरे कार्यक्रम को देखने के लिए अपनी उपस्थिति दी। और अगर आप नहीं देख पाए तो उसका भी कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद आप उसे अवश्य देखें और मुझे बताएं, मेरी कमियां मुझे बताएं, ताकि उसमें मैं और सुधार कर सकूं और आगे और अच्छा कुछ कर सकूं, और आपके प्रोत्साहन का मुझे इंतजार रहेगा। तो बात करते हैं कहानियों की। कहानियां जिंदगी में, कहानियां सबकी तरफ होती है, सबके पास होती है, सबके चारों ओर फैली हुई होती है, क्योंकि हर स्थिति में, हर व्यक्ति के अंदर या हर व्यक्ति के जीवन में कहानियां होती है, कभी छोटी कभी बड़ी। लेकिन आवश्यकता होती है जब हम कहानियां लिखते हैं तो उसे शब्दों में पिरोने की, और शब्दों में पिरोने के लिए हमें पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। पढ़कर उन्हें सुंदर शब्दों में गूंथना और आपके समक्ष रखना, इसी प्रकार मेरा भी एक छोटा सा कहानियों का संसार है। उसी कहानियों के संसार में से मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ, जो मधुमति में 2014 में प्रकाशित हुई थी, और मुझे इस कहानी पर भी बहुत सारा आप सभी का प्यार मिला था। कुछ कविताओं के अंदर आज एक छोटी सी कविता कहानी से पहले मैं आपके सामने रखना चाहूंगी, संतुलन को लेकर, कि जीवन में संतुलन होना बहुत आवश्यक होता है। कविता का शीर्षक है वीणा। चाहा था मन की वीणा को बजाना, चाहा था मन की वीणा को बजाना, मगर बजा न सके। किसी ने उसके तार ढीले छोड़ दिए, किसी ने कस दिए, किसी ने उसके तार ढीले छोड़ दिए, किसी ने कस दिए। सुर कभी अधर में लटक गए तो कभी टूट गए, सुर कभी अधर में लटक गए तो कभी टूट गए। आखिर वह बजती भी तो कैसे, आखिर वह बजती भी तो कैसे। संतुलन जो नहीं था, संतुलन जो नहीं था। तो हमारे जीवन में हर एक पल, हर एक काम में संतुलन की आवश्यकता होती है। संतुलन के बगैर कार्य चलता नहीं है, रिश्ते चलते नहीं है, घर परिवार चलता नहीं है। तो आप अपने जीवन में, आप और हम सभी संतुलन बनाकर चलेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो अब मैं अपनी कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, निधि। कहानी का शीर्षक है निधि। मैं जैसे ही घर के पास पहुंची, अचानक निगाहें उसे ढूंढने लगी। मैं आपको ये बता दूं, कहानी शुरू तो कर दी मैंने, लेकिन ये बताना चाहूंगी कि यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। इसमें शब्दों का है हेर फेर, बाकी ये लगभग पूर्ण रूप से सत्य घटना है। मैं जैसे ही घर के पास पहुंची, अचानक निगाहें उसे ढूंढने लगी। ऐसा लगा हमेशा की तरह मेरे आने का समय होते ही वह खिड़की की जाली से मुंह टिकाकर मेरी राह देख रही होगी। मुझे याद आने लगा, ताला खोलकर जैसे ही मैं अंदर पहुंचती, वह दौड़कर मुझसे लिपट जाती, और मैं बहुत देर तक उसके सिर पर, पीठ पर प्यार से हाथ फेरकर उसे सहलाती रहती।
जब वो पूरी तरह मेरे प्यार से संतुष्ट हो जाती तो अपने आप दूर जाकर बैठ जाती। मैं जानती थी कि अब ये कहीं भी नहीं जाएगी। फिर भी आंखें खोल खोल कर देखती रहती। अगर मैं किसी काम से ऊपर जाती तो वह भी मेरे पीछे पीछे हो लेती। जब मैं व्यस्त होती उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाती तो उसने मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का एक उपाय भी खोज लिया था। वह बार बार मेरी साड़ी का पल्लू मुंह में दबाकर उस पर उछल कूद करती, कभी इधर दौड़ती कभी उधर। मैं अपनी साड़ी को फटने से बचाने के लिए उसे डांटती, परंतु वह कम मानने वाली थी। उसका यह कार्य तब तक चलता रहता जब तक कि मैं उसे गोद में न उठा लूं। और तो और, मुझे चौंकाने में भी उसे बड़ा आनंद आता। कई बार मेरी नजरें चुरा कर कभी वह अलमारी के पीछे तो कभी बिस्तर के पीछे छुप जाती। मैं परेशान निधि निधि चिल्लाती, इधर उधर ढूंढती, तब वह चुपके से न जाने मेरे पीछे कब पहुंच जाती और कंधे पर झूलने का प्रयास करती। टीवी भी वह बड़े ध्यान से देखती, वो भी मेरी गोद में बैठकर। उसे मेरे आंचल में दुख के नींद आ जाती। कब नींद आ जाती मुझे पता भी नहीं चलता। जब मैं सोने जाती तो वह भी मेरे पास ही रजाई को इधर उधर करके दुबक जाती, पर कभी उसने बिस्तर गंदे नहीं किए। उसके होते हुए कोई घर के अंदर झांकने तक की हिम्मत नहीं कर पाता था। कितनी सी थी जब मैं उसे लेकर आई थी। हम दोनों के बीच कितना प्यार था, कितनी ममता। पता नहीं क्यों मैं मन ही मन डरने लगी थी कि कहीं यह मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाएगी। ये ख्याल आते ही कलेजा मुंह को आने लगता, आंखें भर आती और कभी कभी तो रो पड़ती। कैसे जी पाऊंगी मैं इसके बिना। समय था कि पंख पसारे उड़ रहा था। गर्मी के दिन थे, सवेरे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सूरज अभी घूंघट की ओट में था। उठने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। अचानक, अरे ये कहराने की आवाज कैसी। मैं चौंक कर उठ बैठी। देखा, निधि मेरे पास बैठी है, मेरी साड़ी का पल्लू मजबूती से पकड़ रखा है। मेरी ओर देखते हुए वह रह रह कर कहरा रही है, साथ ही आंखों से आंसू भी बरस रहे थे। देखकर मेरा तो कलेजा ही बैठ गया। हड़बड़ा कर तुरंत उठ बैठी, उसे गोद में उठाया, पुचकारा, आंसू पोंछे, पूरे शरीर पर हाथ फेर कर देखा कहीं उसे चोट तो नहीं आई। मगर ऐसा कुछ नहीं था। चिंटू को आवाज दी, शायद उसने उसे डांटा हो, मगर उसने कहा, मैं तो सो रहा हूँ, देख लो। जैसी थी वैसे ही उठकर टैक्सी की और डॉक्टर के घर पहुंची, क्योंकि इतने सवेरे तो अस्पताल खुलता नहीं है। डॉक्टर अभी उठा नहीं था। अरे कब उठकर आएगा, मेरे लिए तो एक एक पल जैसे असह्य हो रहा था। डॉक्टर ने जांच कर इंजेक्शन लगाया, दवाई दी, साथ ही आश्वासन कि ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। घर आई तो किसी काम में मन नहीं लग रहा था, ड्यूटी पर भी जाना था, मगर मैं उसे यूं बीमार छोड़कर कैसे जा सकती थी। धीरे धीरे दवाई से वट अच्छी होने लगी, पहले की तरह सामान्य, तब जी में जी आया। डॉक्टर और भगवान को धन्यवाद दिया, ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ाया, फिर सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा। मुझे याद आ रहा था कि निधि खाना भी मेरे पास बैठकर खाती थी। मेरे आसन के पास ही उसका आसन होता था, उस पर बैठकर वह अपनी कटोरी में दूध रोटी खाती, मगर जब तक मैं खाना शुरू नहीं करती वह भी नहीं खाती। साथ ही वह खाते खाते सरक सरक कर बिल्कुल मुझसे सट कर बैठ जाती। सुबह के नाश्ते में उसे टमाटर खाना बहुत पसंद था। गर्मियों के दिनों में
जब उसे गर्मी लगती तो वह एक बार कूलर की तरफ और दूसरी बार मेरी तरफ देखती, और मैं उसका इशारा समझकर कूलर चालू कर देती। फिर वो बड़े आराम से लेट जाती। मैं स्कूल जाती तब भी उसके लिए कूलर चालू रहता। एक बार मैं बहुत बीमार हो गई थी, मुझे अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। कुछ संभली तो निधि का ध्यान आया और आंखों में आंसू। वो मेरे बगैर कैसे रह रही होगी, कैसे कुछ खाया होगा। डॉक्टर से प्रार्थना की कि वो मुझे छुट्टी दे दे, मगर नहीं, मुझे 2 दिन वहां और रुकना पड़ा। वो 2 दिन निधि के बिना मुझे 2 वर्ष से भी अधिक लगे। दिन रात उसी की चिंता, बार बार चिंटू से पूछती तो वह बताता। मैं उसे पास में बिठाता हूँ, गोद में लेकर घूमता हूँ, बहुत प्यार से रखता हूँ, पर वो तो 1-2 ग्रास से अधिक नहीं खाती। फिर वो बताता कि वह तो खिड़की से नजरें टिकाकर आपकी राह देखती रहती है। सुनकर अपना आंसू रोक पाना मेरे लिए कठिन हो गया। दूसरे दिन तो मैं फूट पड़ी। चिंटू के कंधे पर सिर रखकर बहुत देर तक रोती रही। उसने कहा, मम्मी मेरा विश्वास करो, मैं उसका पूरा ध्यान रखता हूँ। उस दिन चिंटू निधि को मेरे पास लेकर आया। मेरी गोद में आकर वह बहुत रोई। हम दोनों मिलकर बहुत देर तक रोती रही, मानो जन्म जन्मांतर के बाद हम दोनों मिली हों। उसका हर आंसू मुझे उलहाना दे रहा था कि मैं उसे छोड़कर क्यों आई। उस शाम डॉक्टर से छुट्टी लेकर मैं घर आ गई। निधि समझ गई थी कि मैं बीमार हूँ। वो मेरे पास बैठी बैठी अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे बाल सहलाती, सिर दबाती। मुझे लगता ये पिछले जन्म में अवश्य मेरी माँ रही होगी। मैंने देखा कि वो मेरी चिंता कर करके दुबली हो गई है। मैंने सोचा, जानवर आदमी से ज्यादा समझदार वफादार होते हैं, दुख दर्द और भावनाओं को समझते हैं, बस बोल ही तो नहीं पाते। और ये भी अच्छा ही है, वरना ये भी आदमी ही की तरह हृदयहीन हो जाते। भावनाओं की कद्र करने के स्थान पर उनका उपहास उड़ाते, मन की कोमल भावनाओं से खेलकर उन्हें कुचलना आदमी खूब जानता है। निधि को मैंने क्या दिया, बस जरा सा प्रेम ही तो। मगर इस जरा से प्रेम के बदले मेरे लिए इसका मन कितना आहत है। और आदमी जिसके लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उसे आज उसकी तकलीफ का जरा भी एहसास नहीं है। शायद यही जीवन की हकीकत है। बस समय यूं ही गुजर रहा था। एक दिन सवेरे सवेरे मैंने देखा कि निधि गहरा रही है। डॉक्टर को दिखाया, उपचार करवाया, मगर वह पहले की तरह ठीक नहीं हुई। डॉक्टर ने कहा कि अब शायद ही बच पाए, उम्र भी हो गई है। दिन भर उसने कुछ नहीं खाया। मेरी गोद में लेटी लेटी मुझे निहारती रही, आंसू बहते रहे। अंतर वेदना से छटपटाता मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था। बस रोती रोती उसे सहलाती जा रही थी। इसे कैसे बचाऊं, कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। धीरे धीरे मैंने देखा कि उसकी आंखें बंद होने लगी हैं और सांस की गति भी। मैं हड़बड़ा उठी, चीखने लगी, डॉक्टर निधि को बचा लो, निधि को बचा लो। चिंटू डॉक्टर को बुला लाया। मैंने रोते रोते डॉक्टर के पांव पकड़ लिए, कहा बस मेरी निधि को बचा लो, कुछ भी करो, मेरी जान ले लो। पर चिंटू मुझे संभालने का प्रयास कर रहा था, मगर सब बेकार। वो भी अपने आंसू रोक पाने में असमर्थ था। डॉक्टर बोला, अब कुछ नहीं हो सकता, दवाई बेअसर, बस कुछ घंटे निकल पाएंगे। मैं चीखती रही, नहीं नहीं, रात भर उसे पुचकारती रही।
पुकारती रही वो काली लंबी रात, बेबस लाचार सी, वक्त के हाथों सब कुछ लूटने को मजबूर। ये कैसी बेबसी, कैसी मजबूरी है। इस मंजिल पर आकर हर इंसान, हर वैज्ञानिक हार जाता है। भगवान आप ऐसा क्यों करते हो। खूब प्रार्थना की, मन्नत मांगी, प्रभु निधि को अच्छा कर दो, इसके बदले मेरे प्राण ले लो, पर सब बेकार। वो अंत का दर्द, बेबस सी निगाहों से उसका मुझे निहारना, जैसे वो अपनी आंखों में मुझे समेट लेना चाहती हो। हम एक दूसरे से जुदा हो रहे थे, उसके पंजों में पकड़ी साड़ी की पकड़ ढीली हो रही थी। मैंने महसूस किया कि उसके हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। उसने बड़ी कठिनाई से आंखें खोली, मुझे देखा और प्रभात की पहली किरण का निकलना हुआ और वह सदा के लिए। मैं पुकारती रह गई जो मेरी जरा सी आह से तरंगित हो मेरे पास चली आती थी, वह मुझे अपनी आंखों में समेटकर खामोश थी। आज सबके समझाने के बाद अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए ड्यूटी पर गई। वहां कुछ समय के लिए भूल गई कि निधि नहीं है। शाम को जल्दी जल्दी घर पहुंची, सोचा वह राह देख रही होगी। उसे न पाकर लगा शायद वह शरारत करने के बहाने कहीं छुप गई है। अनायासी मुंह से निधि निधि निकलने लगा, मगर अब इस खिड़की में मेरी राह देखने वाली निगाहें नहीं थी। वो छुप गई थी मेरे दिल के कोने में, मेरे दिल की धड़कनें उसे प्यार से सहला रही थी। ये है कहानी निधि। शायद आपको ये भावुक कहानी अवश्य पसंद आएगी, मैं उम्मीद करती हूँ। जरूर आप इसे महसूस करेंगे, इस कहानी के दर्द को भी महसूस करेंगे। अब फिर एक छोटी सी कविता मैं आपके सामने रखना चाहूंगी, जो आज की स्थिति है, वर्तमान स्थिति की, जो अधिकांश लोगों के जीवन में होता है। कविता का शीर्षक है भोजन। वो परोस लाते हैं थाल व्यंजनों से भरा, जिसमें एहसान की चपातियां, ईर्ष्या की दाल, नफरत की सब्जियां, द्वेष का रायता होता है। वो परोस लाते हैं थाल व्यंजनों से भरा, जिसमें एहसान की चपातियां, ईर्ष्या की दाल, नफरत की सब्जियां, द्वेष का रायता होता है। एक जैसा खा खा कर मन उब गया है, कभी कभी अपनत्व का मीठा भी परोस दिया करो, अब एक छोटा सा व्यंग्य मैं आपकी नजर करना चाहूंगी, उम्मीद करती हूँ वो भी आपको अवश्य पसंद आएगा। मेरे व्यंग्य की एक छोटी सी दुनिया है, छोटी सी किताब है, उसी में से एक व्यंग्य जिसका शीर्षक है सिपाही। बात उस समय की है जब मेरे पास एक फटीचर गाड़ी थी। अब गाड़ी तो गाड़ी ही होती है, चाहे अमीर के पास हो चाहे गरीब के पास, और वो भी कार। हाँ, तो उस दिन मेरी हालत उस मृत आत्मा के जैसी थी जिसे यमराज उसके कर्मों का दंड देने वाले थे। मेरे सामने चित्रगुप्त खड़ा था, मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। मैं डरते हुए बोली, जो एक सिपाही दूसरे सिपाही के साथ करता है। तुम कौन से थाने के सिपाही हो, और यदि सिपाही हो तो ये गाड़ी। ऐसा लगता है तेरे ऊपर की कमाई छप्पर फाड़कर होती है। यदि ऐसा है
तो तुझे पता होना चाहिए कि रिश्वत लेना और देना दोनों कानूनी जुर्म है। अब तो ऐसे लोगों को, भ्रष्टाचारियों को अपने काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। और आप मेरी बात तो सुनो। हाँ तो बता, तेरी पोस्टिंग कहाँ है? आप गलत समझ रहे हैं, मैं आप जैसा सिपाही नहीं हूं। वो तो तुम्हारे रंग ढंग से ही लग रहा है कि तुम मोटे मुर्गे हो। मैं तो क्या बकरे की तरह मैं लगा रखी है। जो बोलना है जल्दी बोल। मैं तो कलम का सिपाही हूं। कलम का सिपाही, ये नाम तो पहली बार सुना है, तो ढंग से बता। मैं कलम से कहानी, कविता आदि लिखता हूँ, इसलिए कलम का सिपाही कहलाता हूँ। तो यूं बोलना कि तू लेखक है। अरे भाई, क्या धूड़ का लेखक। इस जमाने में किसके पास वक्त है मेरी कविता सुनने का और कहानियां पढ़ने का। अब तो बस मोबाइल है ना, इस जादू के पिटारे में सब कुछ है। महबूब हो या महबूबा के हाथों की तरह ये भी। अरे भाई, तेरी बकवास सुनने के लिए क्या मैं फालतू बैठा हूं? देखता नहीं कितना व्यस्त हूं, चालान काटो। पर सिपाही तो सिपाही होता है, मुझे भी लोग कलम का सिपाही कहते हैं। जैसे एक नाई दूसरे नाई की से हजामत के पैसे नहीं लेता, एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर से किराया नहीं लेता, थोड़ा अपनी बिरादरी का तो ध्यान सभी रखते हैं। और फिर मेरी तो गलती ही क्या है? गलती? अरे बच्चू जी, रईस जादो जी, साहब जी, क्या बताऊं? यदि गालियां ही निकालनी है तो फिर ये जी क्यों लगाते हो जी? तुम्हें पता नहीं क्या अभी सद्भावना सप्ताह चल रहा है? सरकार की आज्ञा है कि जी लगाना जरूरी है। अब काम की बात सुन, तेरी गाड़ी की आंखें फूटी हुई है, चालान तो कटाना ही पड़ेगा। आंखें पूरी तरह थोड़ी फूटी हुई है, और अभी तो दिन है, गाड़ी को तो आंखें खुली रखने की अभी कहां जरूरत है? तो तुम क्या ये सोच रहे हो कि मैं रात होने का इंतजार करूंगा? कलम के सिपाही होकर इतना भी नहीं समझते कि काल करे सो आज कर, आज करे सो पल में परले होएगी, फेर करेगो कब? बोल क्या करूं? आप कहना क्या चाहते हैं समझ में नहीं आया। एक तो लाइट फूटी और स्पीड हवाई जहाज जैसी। अब मेरी इस खटारा गाड़ी को हवाई जहाज उड़ाने वाला भी यदि 50 की स्पीड से चला कर दिखा दे तो तुम मेरा चालान काट लेना। मुझे लगता है ये गाड़ी चोरी की है। थाने के सिपाही के पास तो गाड़ी नहीं और कलम के सिपाही के पास गाड़ी, ये बात कुछ हजम नहीं होती। अरे साहब, मेरे हैप्पी बर्थडे के दिन मेरे पिताश्री ने इसे खरीदा था। अब तो ये इतनी सुंदर है कि यदि कोई चोर रात्रि में इसे चुरा कर ले जाए तो सूर्योदय के पूर्व इसे वापस पहुंचा देता है। मेरे पूज्य पिताश्री ने हम दोनों की मरम्मत कभी नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि अरे फिर भाषण शुरू कर दिया। तो जिस जगह ये गाड़ी खड़ी करी है ये नो पार्किंग की जगह है। चालान तो तुझे कटवाना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई दूसरी बात कर। हाँ, ये हुई ना बात, कविता सुनना चाहोगे कि कहानी? भाड़ में जाए तेरी कविता कहानी, इससे पेट नहीं भरता। बच्चों के लिए कुछ मिठाई सिठाई की बात कर। हाँ, मगर तुम ये तकलीफ मत देखना। इस खटारा गाड़ी में कब जाकर लाओगे? तुम तो बस गांधी जी की फोटो वाले बड़े बड़े पॉकेट में से निकाल दो, मैं जाते समय ले जाऊंगा। ओह, तो ये बात है।
पर अभी तो तुम रिश्वत, भ्रष्टाचार, कानूनी जुर्म की बात कर रहे थे। अब ये सब किसी ने देख लिया तो तुम इस बात की फिक्र मत करो, ऐसा कुछ हुआ तो इशारा मिल जाएगा। अच्छा, तो आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। आप मजाक अच्छी कर लेते, पर इस वक्त तो मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। तुम अपना मोबाइल दो, भाई से मंगवा लेता हूं, वो अभी 5 मिनट में लेकर आ जाएगा। तुम्हारा भाई कलम का सिपाही तो नहीं है ना? नहीं नहीं, वो तो बड़ा कह तो यूं रहे हो जैसे तुम्हारा भाई कुबेर का खजांची है, पर ये तो बता तुम्हारा भाई करता क्या है? वो इस इलाके का एसपी है। ये सुनते ही चित्रगुप्त का मुंह खुला का खुला रह गया। मेरे सभी पाप पुण्य में बदल गए। मेरा तीर अर्जुन की तीर की तरह सीधा चिड़ी की आंख में लगा। अब कलम के सिपाही के आगे थाने का सिपाही झुका, सलाम किया, मेरी फर्नीचर गाड़ी का दरवाजा खोलकर मुझे बिठाया, धक्का मारकर गाड़ी स्टार्ट की। मैंने मुड़कर देखा, वो मुस्कुराकर बाय बाय कर रहा था। मैंने मन ही मन उस एसपी को धन्यवाद दिया जिसे मैं जानता तक नहीं था, पर उसने मुझे भ्रष्टाचारी चित्रगुप्त से बचा लिया था। अब आपको उम्मीद करती हूँ ये व्यंग्य भी पसंद आएगा और आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देते रहेंगे। अभी जो लोग लाइव हैं उन सभी का हार्दिक आभार और धन्यवाद, और जो लाइव नहीं हैं वो कृपया बाद में देखें और मुझे मेरी कमियों से मुझे अवगत अवश्य कराएं। अब फिर एक छोटी सी कविता, एहसास। वे बोलिया आखा दिन कागज काला करे, वे बोलिया आखे दिन कागज काला करे, छपावे जने पैसा खर्च करे, छपावे जने पैसा बर्बाद करे, इनसु थने काई मिले, इनसु थने काई मिले। मैं बोली एहसास अर भावनावा, एहसास अर भावनावा पीसासु नी तो लीजे, एहसास अर भावना पीसासू नी तो लीजे। तो मारवाड़ी बोली की ये रचना अपने राजस्थान के लिए, और अब मैं पुनः आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं जन सरोकार मंच टॉक देवेंद्र जी और उससे जुड़े सभी महानुभावों का मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे दोबारा इसका मौका दिया कि मैं अपनी बात, अपनी रचनाएं आपके समक्ष रख सकूं। इसके लिए पुनः आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद, नमस्कार।